चॉकलेट क्रीमी बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम बटर, ये आधा कप बटर है। रूम टेम्परेचर पर लेना है। आधा कप पिसी हुई चीनी ले लेंगे, इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है और बहुत ही फ्लफी हो गया है, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए था हमें। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे 1 कप और 1/3 कप, तो इतना ही मैदा डालें। अब इसे हम क्रीम वाली बिस्किट बना रहे हैं तो हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। जितना आपको पसंद है आप उतना हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले रही हूँ। किसी भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर आप ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए इसे। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं। अब इसे मिक्स करते हुए एक डो फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आप चाहें तो हाथों से या फिर हैंड बीटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से बाइंड कर लेते हैं। इसे एक डो फॉर्म में ले आएंगे। अगर मिक्सर थोड़ा सा ड्राई है तो आप थोड़ा बहुत इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून के लगभग। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई है। तो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देंगे। यदि आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। बहुत सारा एक साथ ना डाल दें, थोड़ा करके ही डालें। तो बस इतना ही इसमें दूध ऐड होगा, ये देखिएगा। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो इसका हम एक पोर्शन निकाल लेते हैं और इसे सरफेस पे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। सरफेस पे हमने सिल्वर फॉइल बिछा ली है जिससे कि ये चिपके ना। हल्का सा ऑयल या बटर लगा लें और बस इसके ऊपर हम हमारा डो रख लेंगे कुकी वाला, और इसके ऊपर भी हम एक सिल्वर फॉइल लगा कर इसे बहुत ही अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से रोलिंग पैन से अच्छी तरह से बेल लें। तो काफ़ी पतला हमें इसे रखना है, बहुत मोटा ना रखें क्योंकि हम डबल लेयर की बिस्किट बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसे बेल लिया है बहुत ही अच्छी तरह से, 1/2 इंच के लगभग है ये। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना है जैसे कि हम इसके सारे इक्वल पीसेस निकल कर बाहर आएँ। ये देखिए बहुत ही ईजिली ये हो रहा है। नीचे से प्लास्टिक सीट या फिर सिल्वर फॉइल ज़रूर बिछाएँ जिससे कि ये ईजिली काम हो सके। ये देखिए सारे कॉर्नर हम इसके अलग कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। ये देखिए सारे एक्स्ट्रा पार्ट हमने निकाल दिए हैं। अब बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेना है इसके 1/2 इंच के बराबर, जैसे कि बर्बन बिस्किट होती है मार्केट की, बिल्कुल उसी तरह से। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम निकाल देंगे और बीच से भी हम इसे कट कर लेंगे जिससे कि बिल्कुल एक बराबर पीसेस निकल जाएं। जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे और फिर से इसी तरह से हम हमारी कुकीज़ बना लेंगे। अब बेकिंग ट्रे को हम हल्की से ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर से जिससे कि ईजिली हम इसमें बिस्कुट जल्दी से सेट कर दें। अब बिस्किट के पीसेस कट हो चुके हैं तो हमने यहाँ पर एक टूथपिक ले लिया है और इससे हम इस तरह से छेद कर लेंगे जिस तरह की बर्बन बिस्किट में रहते हैं, थोड़ा दूर दूर पर। ये देखिए इस तरह से सभी बिस्किट में हम कर लेंगे, बहुत ही ईजिली ये हो जाता है। इसी तरह से हम सभी में कर लेंगे। सारी बिस्किट हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब आप इसे बेकिंग ट्रे में रख लीजिए जिसमें भी हम बेक करेंगे, या तो फिर आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए जिससे कि ये ईजिली सेट हो जाए और बहुत ही आसान तरीके से बेकिंग ट्रे में हम इसे रख सकें। तो इसे सेट कर लेते हैं हम बेकिंग ट्रे में। सभी बिस्किट हमने सेट कर दी हैं। अब मार्केट वाला लुक देने के लिए यहाँ पर हमने चीनी ली है। इस तरह से चीनी इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे जिस तरह की मार्केट की बिस्किट में रहती है, ऊपर से शुगर रहती है उसमें थोड़ी थोड़ी, तो हम इसमें भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो बिल्कुल मार्केट वाली बिस्किट आप घर में बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। सभी में हमने शुगर अच्छी तरह से लगा दी है। अब एक कढ़ाई को एक स्टैंड लगाकर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से बेक होने दें।
ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गई हैं। तो आप इन्हें 15 मिनट ही बेक करिए, ये जल्दी से बेक हो जाती हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। बीच की क्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप व्हिप क्रीम ली है। चीनी ले लेंगे 2 टेबल स्पून, वेनेला एसेंस ले लेंगे। अच्छी तरह से इसे विस्क कर लेंगे जब तक कि ये डबल ना हो जाए। आप यहाँ पर बटर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि ये साइज़ भी बिल्कुल डबल ना हो जाए। आप देख सकते हैं क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से डबल हो गई है। अब इसमें चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए हम कोको पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप या फिर डेयरी मिल्क भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट के बीच की फिलिंग बन गई है। अब इसे एक पाइपिंग बैग में हम अच्छी तरह से भर लेंगे और बिस्किट ठंडा होने के बाद उसमें लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी बिस्किट ठंडी हो गई, बहुत ईजिली बाहर निकल रही हैं। क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में लगा लिया है। अब इस तरह से आप इसमें स्प्रेड कर दीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे इसमें डिज़ाइन भी आएगा और बहुत ही अच्छी लगेगी हमारी कुकीज़। इसके ऊपर हम एक और रख देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी मार्केट वाली बिस्किट घर में बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारी बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप में व्हिप क्रीम लगा रहे हैं तो आपकी बिस्किट हफ्ते तक चलेगी, और बटर क्रीम लगा रहे हैं तो फिर ये महीनों तक चल जाती है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी मार्केट वाली क्रीम वाली बिस्किट। आज हम कुकीज़ को स्पून की मदद से बनाएंगे, क्योंकि ये सभी के घर में मेजरमेंट कप नहीं होते हैं। तो हम घर की चम्मच से 3 चम्मच बटर ले रहे हैं। ये देखिए 3 चम्मच भर के बटर लेना है, आप शुद्ध घी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी भी लेंगे, ये भी हम घर की चम्मच से ले रहे हैं। तो 3 से 4 चम्मच आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये देखिए अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे फेंटना है जब तक ये दोनों क्रीमी टेक्सचर की ना हो जाए। आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, तो हम यहाँ पर 12 से 13 चम्मच मैदा डालेंगे। चम्मच की मदद से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ग्राम और मेज़रमेंट से कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप घर की चम्मच से बना सकते हैं। तो 12 से 13 चम्मच हमने इसमें मैदा डाल दिया है। ये देखिए ये लास्ट 13 चम्मच है हमारे मैदा के। अगर आप कप से ले रहे हैं तो 1 कप और 1/2 कप मैदा है ये। बटर हमने आधा कप लिया है और पिसी हुई चीनी भी आधा कप। वेनेला एसेंस डाल देंगे फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे बांधने के लिए ना ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल ना ही दूध का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर ये ना बंधे तो आप इसमें थोड़ा सा बटर और डाल सकते हैं। तो ये देखिए इतने ही बटर में हमारा बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हो गया है। अब बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है। आप कोई भी प्लेट या कोई भी थाली ले सकते हैं। हल्का सा ऑयल या बटर लगा लीजिए, आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब बिल्कुल छोटे साइज़ के बॉल्स हमें लेना है, बहुत बड़े ना बनाएं क्योंकि फिर ये जब बेक होते हैं तो साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे नींबू के साइज़ का हमने इसे ले लिया है, चपटा कर दिया हमने इसे। आप अपने मनचाहे शेप में इन्हें बना सकते हैं। अब डिज़ाइन देने के लिए ये देखिए हमने एक फोक लिया है। इस तरह से सिंपल डिज़ाइन आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये बन गया। और कुकीज़ भी बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल 10 से 15 मिनट में ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर कोको पाउडर डालकर इन्हें चॉकलेटी फ्लेवर का भी बना सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े हमने बना लिए हैं और बस सिंपल सा डिज़ाइन दे दीजिए। और इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा दूर पर इन्हें बेकिंग ट्रे पर रख दीजिए। और इसी तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और जैसी चाहे आप वैसे इसमें डिज़ाइन देकर अपने मनचाहे पैटर्न की बना सकते हैं। तो सभी कुकीज़ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी कुकीज़ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब एक कढ़ाई में स्टैंड लगाकर इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। आप कुकर भी इसी तरह से प्रीहीट कर लीजिए। अब कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छी तरह से प्रीहीट हो गई है। ये देखिए हम बेकिंग ट्रे रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो जाती हैं। तो हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट अच्छी तरह से बेक कर लिया है। ये देखिए इनमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज ना करें,
बटर कुकीज़ इसी तरह से होती हैं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे, तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद इनमें एक बहुत ही लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह की कुकीज़ हमें बेक करनी है, नीचे से बहुत ही गोल्डन और ऊपर से बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर है। इन्हें ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बिस्किट बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। हमने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। 1.5 कप व्हीट फ्लार लिया है हमने। 1/2 कप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं हम। इसे हमने मिक्सी में ही पीस कर निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 100 ग्राम बटर लेंगे। ये ठंडा किया हुआ बटर है, तो आप फ्रिज का लिया हुआ ही बटर इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही खस्ता बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप यानी 100 ग्राम बटर लिया है। अब इसे अपने हाथों से क्रम्बल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथों से ही क्रम्बल करना है, देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बटर मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से कम्बाइन हो गया है। बिल्कुल इसी तरह की हमको कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हमने यहाँ पर ठंडा दूध लिया है 1/3 कप। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और बिल्कुल हल्के हाथों से इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने हल्के हाथों से एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। ठंडा दूध और ठंडा बटर का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। तो 1-2 चम्मच हमारा दूध बच गया है, ये देखिए 1/3 कप में, मतलब 3 से 4 चम्मच ही दूध का इस्तेमाल हुआ है। अब जिस भी ट्रे में हमें इसे बेक करना है, तो उसमें हम हल्का सा बटर लगा लेते हैं। आप बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिस्किट बनाने के लिए अब यहाँ पर हम सरफेस पे सिल्वर फॉइल लगा रहे हैं। आप क्लीनिंग रैप या फिर प्लास्टिक सीट भी ले सकते हैं। तो बिस्किट का 1/2 पोर्शन हमने ले लिया है, अब हाथों से फ्लैट कर लेंगे इसे, और 1 सिल्वर फॉइल हम इसके ऊपर से भी लगाएंगे और अच्छी तरह से इसे रोल कर लेंगे। इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छी स्मूथनेस आएगी, आटा चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसे बेल लिया है, ये देखिए। बहुत पतला हमें नहीं बेलना है, जिस तरह से मारी की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल उसी तरह से, जो मारी बिस्किट मार्केट में मिलती है बिल्कुल उसी तरह से, उसी की थिकनेस से हमें बनानी है। तो बहुत पतली ना रहे और ना ही बहुत मोटा करना है, क्योंकि फिर ये बेक होने के बाद हल्का सा फूल भी जाती हैं। तो अब आप इसे कुकी कटर से या फिर किसी भी ग्लास से कट कर सकते हैं। तो मैं इसे ग्लास से कट कर रही हूँ, ये देखिए। आप कुकी कटर से, ढक्कन से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे बिल्कुल अलग कर देंगे, और फिर से इसी तरह से हम बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। डो बिल्कुल पतला ना रहे, आप इस बात का ध्यान रखें। तो बिस्किट को रख देते हैं बेकिंग ट्रे में। हम इसे कढ़ाई पर बेक करेंगे, आप इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। माइक्रोवेव में बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे प्रीहीट कर लीजिए, और 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये बेक हो जाती हैं। सारे बिस्किट्स हम बेकिंग ट्रे में थोड़ा दूर दूर पर रखेंगे, जिससे कि जब ये बेक होंगी तो फूल जाती हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमें बिस्किट को रखना है, जिससे कि बिल्कुल भी शेप ना बिगड़े हमारे बिस्किट्स का। अगर आप इन बिस्किट से अपने मनचाहे शेप में बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने बिस्किट्स रख दी हैं, एक्स्ट्रा पार्ट अलग कर देते हैं, और भी बिस्किट हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने दूर दूर पर रखा है, अब इस तरह से छेद कर लेते हैं। ये देखिए जिस तरह से मारी बिस्किट में छेद होते हैं बिल्कुल उसी तरह से, थोड़ा दूर दूर पर। यहाँ पर हमारे यहाँ मारी बिस्किट का मेकर नहीं है, इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसमें हमने छेद कर दिए हैं, सभी बिस्किट्स में कर देते हैं। यहाँ पर हमने मैदे की बिस्किट नहीं बनाई है, आटे की बनाई है। अगर आपको आटे की जगह मैदे की बिस्किट बनाना है तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो सभी बिस्किट में हमने अच्छी तरह से ये देखिए होल कर दिए हैं। तो चलिए अब कढ़ाई को भी प्रीहीट कर लेते हैं और हमारी बिस्किट को बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में हमने स्टैंड रख लिया है, आप कटोरी प्लेट कुछ भी रख सकते हैं। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे प्रीहीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम बेकिंग ट्रे को रख देते हैं और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कर दें गैस को, और 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसे बेक होने के लिए।
तो हमने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा था, लो टू मीडियम भी आप रख सकते हैं। बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गई हैं, नीचे से गोल्डन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर से गोल्डन करने के इसमें ना रहें, नहीं तो बिस्किट नीचे से जल जाएंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल ना करें, लो फ्लेम पर ही बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से खस्ता और क्रंची हो जाएंगी। तो ये बेक हो चुकी हैं। बिस्किट गरम गरम होती हैं तो बहुत ही नरम होती हैं, इन्हें 10 मिनट ठंडा होने के बाद ही हम टच करेंगे। बिस्किट को ठंडा होने के बाद हमने 10 मिनट के बाद इसे रैक पर रख दिया है, जिससे कि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। अब इसे हम एयरटाइट कंटेनर में भरकर महीनों तक खा सकते हैं। आटे से बनी हुई बहुत ही हेल्दी हमारी मारी बिस्किट बनकर तैयार हो गई हैं। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।